आज हमारे विद्यालय में जोनल लेवल कला उत्सव का कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें क्लासिकल है, फोक डांस है और 2D एंड 3D और स्थानीय खेल खिलौने के बारे में यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इसमें 5 ब्लॉक भाग ले रहे हैं, इसमें नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा और राजा का तालाब। वहाँ से जो बच्चे जीत करके यहाँ पर आए हैं और फर्स्ट पोजिशन होल्डर है, वो आज यहाँ पर अपना अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। ये भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम होता है, हर वर्ष यहाँ पर ये कार्यक्रम रहता है साल भर में एक बार। और आज जो बच्चे यहाँ से विजेता होकर के जाएंगे, ये जिला स्तर अपना प्रदर्शन करेंगे। और कला उत्सव करवाने का एक ही मकसद है हमारी सरकार का, कि वर्तमान जो पीढ़ी है हमारी या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो हमारी अपनी स्थानीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। ये जो बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं और पेंटिंग बना रहे हैं, इन अब जो जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही आगे हो, जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बड़ी पोस्ट हासिल करे। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, अपना इंटरेस्ट इसके अंदर डाल करके अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं और अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स भी इनके पास अच्छा सा हो सकता है। तो ये भारत सरकार ने एक मंच दिया है सभी बच्चों को, और इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी भाग ले सकता है। इसमें हर तरह के बच्चे जो हैं, अगर टैलेंट उसके अंदर है तो टैलेंट शो करने के लिए एक मंच दिया गया बच्चे को। और बहुत सालों से बच्चे जो हैं 2015 से लेकर के अपना इस मंच के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। और जहाँ तक मैं अपने विद्यालय की बात करूँ, तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल तक भी पहुँच चुके हैं 2D 3D में और नृत्य कला के अंदर। तो आज पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक अच्छी प्रतिभा खोज करके ही धर्मशाला तक या डाइट धर्मशाला तक पहुँचाई जाए, ताकि जिला स्तर पर नूरपुर जोन का नाम हो और नूरपुर जोन जो है जिला से निकल करके जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करता हुआ राज्य स्तर पर अपना सिक्का जमाए। धन्यवाद।